नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर। मैं अभिषेक पांडे इन खबर के माध्यम से लेके आया हूँ सुबह की 10 बड़ी खबरें। आइए रुक करते हैं इन 10 बड़ी खबरों की ओर। 2019 की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी चुन चुन कर उम्मीदवारों को टिकट दे रही है, लेकिन इसी वजह से बीजेपी के दिग्गज ही पार्टी से खफा हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी की तरह ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को टिकट ना देने का मन बनाया गया है। जब पार्टी की ओर से संगठन महासचिव रामलाल ने उन्हें इस बात की जानकारी दी तो इस पर वह खफा हो गए। बेगूसराय से CPI के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने गिरिराज सिंह पर तंज कसा। कन्हैया कुमार ने गिरिराज सिंह को पाकिस्तान टूर एंड ट्रेवल्स विभाग के वीजा मंत्री कहकर कटाक्ष किया। कन्हैया कुमार ने अपने आधिकारिक ट्वीट हैंडल पर इस बात को लिखा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रस्तावित अयोध्या यात्रा को खुलकर चुनौती देते हुए बीजेपी ने सोमवार को पूछा कि क्या वह पवित्र सरयू नदी के जल को हाथ में लेकर कांग्रेस ने अयोध्या में जो पाप किए हैं उसके लिए प्रायश्चित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू के बाहरी इलाके में 28 मार्च को प्रस्तावित एक विशाल रैली को जगह देने के लिए कुछ किसानों ने अपनी फसल पकने से पहले ही काट ली है। जम्मू के जिले में मालपुर गांव की कई हेक्टेयर जमीन पर कुछ किसानों ने बीते 2 दिनों में अपनी फसल काट कर कम पड़ रही जगह को पूरा करने के लिए प्रयास किया है। खुफिया एजेंसियों ने गोवा, मुंबई और दिल्ली में अलकायदा और IS के आतंकियों द्वारा हमले की आशंका जताई है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को अलर्ट भी जारी किया गया है। सूत्रों के अनुसार खुफिया एजेंसी ने बताया है कि न्यूजीलैंड हमले का बदला लेते हुए आतंकी हमला हो सकता है। आज दिल्ली और चेन्नई के बीच मुकाबला। IPL में महेंद्र सिंह की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स और श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली दिल्ली कैप्टन्स के बीच अब तक 18 भिड़ंत हो चुकी है। इसमें चेन्नई 12 और दिल्ली 6 मैच जीतने में सफल रही है। IPL में 25 मार्च को खेले गए मैच में किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने राजस्थान रॉयल्स के जॉस बटलर को अजीब तरीके से आउट कर दिया। दरअसल अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे और बटलर गेंदबाजी वाले छोर पर थे। अश्विन ने गेंद फेंकने से पहले देखा कि बटलर क्रीज से बाहर है और उन्होंने किल्लियां बिखेर दी। इस तरह से आउट करने को मॉकडिंग कहा जाता है, जिस पर काफी समय से विवाद चल रहा है। अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। फिल्म PM नरेंद्र मोदी के निर्माताओं को चुनाव आयोग का नोटिस, 30 मार्च तक देना होगा जवाब। आयोग ने कहा कि फिल्म कर रही आचार संहिता का उल्लंघन, फिल्म के मेकर दें जवाब। छपाक के पहले लुक के आते ही दीपिका पादुकोण की तारीफ हर जगह की जा रही है। ऐसा तब है जब फिल्म का टीजर और ट्रेलर कुछ भी सामने नहीं आया है। केवल पहले लुक से ही दीपिका हर जगह छा चुकी हैं और बॉलीवुड की कई हस्तियां दीपिका के इस लुक को देखकर दीपिका की तारीफ कर रही हैं। कांग्रेस में शामिल होने से इनकार करने पर ही ट्रॉल हुई सपना। यूजर्स बोले मथुरा से टिकट न मिलने पर इसलिए छोड़ा पार्टी का साथ। बता दें कि पिछले दिनों सपना को लेकर खबरें थी कि सपना कांग्रेस का दामन थाम रही है, फिर सपना ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात से इनकार किया कि वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही है। आशा करते हैं कि आपको ये 10 बड़ी खबरें पसंद आई होंगी। अगर आपको 10 बड़ी खबरें पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।